नमस्कार पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हां, मोदी सरकार के आज बड़े फैसलों के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि आखिर मोदी सरकार ने कन्याओं को क्या तोहफा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कुछ बदलाव किया है। अगर आपने पहले सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसको भी आपका लाभ मिलेगा। जी हां, अगर आपके घर के अंदर पहले जो कुछ कंडीशन थी कि दो कन्या होने पे ही आपको सुकन्या समृद्धि योजना या कन्यादान की राशि मिलेगी, लेकिन आपको बता दें कि अभी अगर आपके घर में एक कन्या भी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठा सकते हैं। जी हां, सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर काफी बड़ी स्कीम है। एक बड़ी स्कीम है कि अगर आप 100 रुपए मंथली सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी के नाम जमा करते हैं तो सरकार आपकी बेटी की शादी का खर्चा जो है 20 लाख रुपए आपकी बेटी की शादी पे, यानी 18 साल की होने पे आपकी बेटी को जो है शादी का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी। आपको ओनली 100 रुपए मंथली यानी साल के 1200 रुपए पे करना है। इसकी मुख्य कंडीशन है कि 2 साल की उम्र तक ही आप अपनी बेटी की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। जी हां, अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं देश की सबसे बड़ी खबरों पे। सबसे बड़ी खबरों की बात की जाए तो हीरो ने बंद की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक। जी हां, अगर आप एचएफ डिलक्स या स्प्लेंडर बाइक खरीदने के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि हीरो जो है नई साल से सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक के प्रोडक्शन पे जो है बंद कर रहा है, यानी हीरो स्प्लेंडर और डिलक्स अब मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगे। अगर आप खरीदने के शौकीन हैं तो आप उससे पहले पहले खरीद सकते हैं। नए मॉडल बाजार के अंदर 1 अप्रैल 2020 से जारी हो जाएंगे। जी हाँ, अगर आप SBI का अकाउंट यूज करते हैं तो आपको बता दें कि SBI के 8 खातों पर मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म हो चुका है। मुफ्त में आपको कुछ सुविधाएं मिलेगी, कुछ सुविधाएं दी जाएगी। 8 खातों पर आप मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म हो चुका है। जी हाँ, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि गाँव में 100 GB जो है पर सेकंड की स्पीड से अब आपको इंटरनेट मिलेगा। जी हाँ, जियो फाइबर की तरफ से इंटरनेट सुविधा स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप गाँव के अंदर भी इंटरनेट चाहते हैं तो आपको 100 GBPS की स्पीड से इंटरनेट की सुविधा गांव-गांव के माध्यम से उपलब्ध होगी। जी हां, अगले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिना हॉलमार्क नहीं बिक सकते सोने के आभूषण। जी हां, अगर आप सोने के आभूषण खरीदने के शौकीन हैं तो आप किसी भी शोरूम से या किसी भी सुनार से अब बिना हॉलमार्क के जो सोने के आभूषण नहीं खरीद सकते। अगर आपको आभूषण खरीदने हैं तो हॉलमार्क लगा ही आभूषण खरीदिए, क्योंकि ये सरकार से वेरीफाइड होगा जो आपको गारंटी देगा। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, आरए में रोका गया मेट्रो सेट का काम। जी हां, आपको बता दें कि मेट्रो सेट का काम रोकने का ऐलान किया है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मेट्रो सेट का जो काम चल रहा था उसको उद्धव ठाकरे ने रोकने का ऐलान किया है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सड़क पर उतरे JNU के छात्र, छावनी में तब्दील HRD मंत्रालय। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सड़क पर JNU के छात्र उतर चुके हैं, छावनी में तब्दील हो चुका है HRD मंत्रालय। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने वकीलों के कल्याण के लिए समिति बनाई। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि टीवी एक्ट्रेस मोइना सिंह के रिसेप्शन में पहुंचे PM मोदी, दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी काफी वायरल हो रही है। जी हां, टीवी एक्टर मोइना सिंह के रिसेप्शन में मोदी के पहुंचने की चर्चाएं हो रही है, दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी काफी वायरल हो रही है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका से पहले भारत में रिलीज होगी हॉलीवुड मूवी ब्लैक विंडो। जी हां, आपको बता दें कि अगली सबसे बड़ी खबर, फिल्मों में लिंग आधारित हिस्सा के दर्शकों पर डिस्क्लेमर चलाने की अपील। जैसे कि सिगरेट पीने पे डिस्क्लेमर चलाया जाता है, उसी तरह हिस्सा पे आधारित फिल्मों में डिस्क्लेमर चलाने की अपील की गई है। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या, तेलंगाना के गृह मंत्री ने दिया बेतुका बयान। जी हां, आपको बता दें कि हैदराबाद में महिला डॉक्टर की हत्या पर तेलंगाना के गृह मंत्री बेतुका बयान देने पर विवादों में घिर चुके हैं। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड में कल मतदान होने जा रहे हैं, 179 उम्मीदवार मैदान में होंगे, कुल 3,78,00,000 वोटर होंगे, 23 दिसंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर कल मतदान होने वाले हैं। झारखंड के अंदर ये चुनाव बहुत ही जल्द 989 केंद्रों पर जारी होंगे और इसके अंदर जो चुनाव का नतीजा है आपको बता दें कि 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि टीवी चैनल ने किया अश्लील प्रसारण, सरकार ने 124 बार लिया एक्शन। जी हां, टीवी चैनलों अगर कोई अश्लील प्रसारण आप देख पा रहे हैं तो आप सरकार को कंप्लेंट कर सकते हैं, निजी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सरकार पे जो चैनल पे आरोप लगा सकते हैं और अपना क्लेम पा सकते हैं। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सोने में जो है रुपए में गिरावट आने की वजह से जो सोने के भाव 103 रुपए चमक चुके हैं, यानी आपको बता दें कि सोने का भाव 103 रुपए बढ़कर 38,795 रुपए प्रति 10 ग्राम, वही गुरुवार को जो है चांदी का भाव 108 रुपए बढ़कर 45,375 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। जी हां, ये थी आज की और देश भर की बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज,
इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।